कश्मीर से कन्याकुमारी अब ट्रेन पर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुभम लंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक फैसला जो लिया था, उस फैसले में सरकार जो है उसने एक डिसीज़न लिया है, जिस डिसीज़न में अब सरकार आपको एक गुड न्यूज़ जो है वो देने जा रही है। इस गुड न्यूज़ के तहत अगर मैं बात करूं तो अब आप लोग जो हैं, अगर आपकी भी कामना थी, अगर आप भी चाहते थे कि हम भी कभी कन्याकुमारी तक ट्रैवल करें, क्योंकि जब कहा जाता है कश्मीर टू कन्याकुमारी तो यानी कि हमारा पूरा भारतवर्ष जो है वो उसमें सीमित रहता है, तो अब कश्मीर से कन्याकुमारी जो है आप ट्रेन पर सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि सरकार 2022 तक ट्रेन का रास्ता जो है वो बिछा देगी और कश्मीर से कन्याकुमारी अब आप ट्रेन के माध्यम से सफ़र कर सकेंगे। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा है कि अब वो सपना, वो दिन दूर नहीं जब लोग बाई ट्रेन जो है वो कश्मीर से ट्रैवल करते हुए कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। साथ में उसने ये भी कहा कि जब पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें, तो जब रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जाती थी तो बड़ा स्लोली स्लोली काम चलता था, अब हमने इसमें तीव्र गति जो है उसको भी लाया है और इसी के माध्यम से हमने 8000 किलोमीटर जो है वो मैकमडाइजेशन जो है उसे सेट कर दिया है ड्यूटी के अंदर। उन्होंने कहा है जो थर्ड फेज रहेगा जम्मू कश्मीर ड्यूटी का, जब से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्यूटी LG के अंदर काम कर रहा है, उसमें हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेजी से और शीघ्र गति से काम कर रहा है। पूरे कश्मीर को हम रोड के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, एक जिले को दूसरे जिले तक, और 2022 जब अंत होगा, दिसंबर 2022 तक कश्मीर से कन्याकुमारी जो लोग हैं वो बाई ट्रेन सफर कर सकेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन साथ ही में उन्होंने कल भी, मैंने आपको बताया था कि दो जो टर्मिनल्स हैं उसे भी बनाने का बताया था कि वो टर्मिनल्स भी तैयार हैं, एक कश्मीर के अंदर और एक जम्मू के अंदर, वहां पर भी दो एयरपोर्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो है शारजा से श्रीनगर और श्रीनगर से शारजा के लिए वो भी जल्द ही उड़ती हुई नजर आएगी। और जम्मू की अगर बात करूँ तो जम्मू में जो टर्मिनल बना है उससे जो अब लोड है फ्लाइट्स का वो भी कम हो जाएगा, ऐसा कहना था एडमिनिस्ट्रेशन का। अब समय बताएगा कि आखिरकार कितना समय जो है वो लगेगा और कितनी जल्द जो है वो ट्रेन की पटरी जो है उसे बिछाया जाएगा, ताकि लोग जो हैं कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो बाई ट्रेन सफ़र कर सकेंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अगर ऐसा होता है वाकई में कितना बड़ा टूरिज़्म पर असर जो है वो पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसे कितनी बड़ी राहत जो है वो मिलेगी अपॉर्चुनिटी के लिहाजा से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। अजय रोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।